तो ये लड़की है, ये लड़का है चश्मे वाला दोनों। सीसु पार्क मतलब क्या है नारका अंडा इधर। गुड मॉर्निंग सभी को, जय श्री श्याम। टाइम हो रहा भाई तुम्हारा 6:30 बज चुके हैं कि भाई बाहर का मौसम चेक करवाता आपको दोनों में भाई, इतना खतरनाक मौसम। वो देखो भाई साहब, भाई पूरे में धूम था, पूरे में धूम था, सब हट गया, पूरे में धूम था। और अभी मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ पूरा, और अभी चलते फटाफट सामान सब भाई सेट करते हैं, जितना सामान है अपना सब सेट करते हैं। उससे पहले मैंने आपको रूम टूर नहीं करवाया था, तो ये भाई सोफ़ा वगैरह लगा हुआ इधर पूरा बढ़िया सेटअप, इधर अपना बेड वेड है, इधर LED जो किसी काम की नहीं है, जो कि हम LED का भी यूज़ करते नहीं भाई, देखते नहीं, बस अपना किसी उधर बोर्ड चार्जर या फ़ोन हमारा बढ़िया सेटअप। और इधर है किचन वगैरह सारा, इधर ओवन लगा हुआ है, और अपना कॉफ़ी वगैरह भी बनाएंगे, मैंने कल बना के पिया था कॉफ़ी, और गर्म हो गई पी के फटाफट देखते हैं यहाँ से लसट वो। और भाई आज का ट्रैवल हमारा होने वाला है नारकंडा, उससे भी आगे जाना है, तो भाई खतरनाक सीन होने वाला है आज, तो वीडियो बने रहना एंड तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो फटाफट पैक करते हैं और निकलते हैं। और ये अपने दोनों GoPro, पूरा GoPro सेटअप करना है, बैटरी वगैरह ये रहा। आज इस बैग में भाई फालतू सामान लेके नहीं आएंगे, कल बहुत सारा फालतू सामान भर लिया था हमने, तो दिक्कत होती दोबारा मुझे, ये निकाल लेता हूँ भाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ पी नहीं, तो फटाफट मैं पैकिंग वगैरह कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ उसे, लेट नहीं मैं। फाइनली पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, पूरा बैग पैक कर दिया मैंने, और इंडियन कोड पर डाल दिया हूँ सुबह और ऊपर अपना बड़ी एक नंबर, और बाकी अपना बिस्किट वगैरह चॉकलेट वगैरह जो कि टैंक बैग में जाएगा सारा ये, जो कि भाई रास्ते में जब जब भूख लगेगी थोड़ा बहुत, जहाँ कुछ खाने मिलेगा नहीं वहाँ खा लेंगे, बाकी वैसे भी रहना चाहिए भाई बैग में, बाहर खरीदना बेकार रहता है, तो अब सब रास्ते में खाएंगे बढ़िया भर भर के। अभी निकाल लेते हैं, अभी कुछ खाएंगे, बाकी रास्ते के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे मज़ा आने वाला है भाई, पूरा पैक कर चुके हैं, और ऑलमोस्ट सब डन हो गया, और फटाफट निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ रितेश भाई सुबह एक अच्छे हेयर ड्राई से, अभी आओ कॉफ़ी बनाते हैं, अब थोड़ा सा कॉफ़ी बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस इसमें पानी गर्म होगा, सारे पाउच घोल के पी लो, ये करते हैं पैसे। तो जी कॉफ़ी बन के रेडी, और फटाफट पी के निकलते हैं यहाँ से, लास्ट कॉफ़ी सोलन में आपके नाम, और निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो, चले जी। बस फाइनली कॉफ़ी वगैरह डन हो चुका अपना, और चलते हैं थोड़ा बैग, बाइक के बैग बांधते हैं आपकी तरफ से लाइफ को लेके। ऐसा सही बात है, कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी लाइफ जी लो, थोड़ी सी जी लो, सिर्फ थोड़ी जी लो भाई, ऐसे ना वरना कुछ नहीं रखा भाई। देखा भाई मोटिवेशन लाइन अपना इतिहास भाई के नाम, कुछ नहीं। और पहले सर की बाइक पे सारा सामान इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल और फिर अपनी बाइक करेंगे, हमारे को तो खड़ी पार्किंग में फंसी हुई है, रात में घूमने गए थे इसलिए बाइक बाइक खड़ी कर दी हमने, और फाइनली धूप भी आ चुकी है भाई बढ़िया वाला। लो जी फाइनली ऑलमोस्ट डन पूरा भाई, ऐसा बांध देना लद्दाख ले जाओ, खुलेगी नहीं। अपनी बाइक की बारी है, मेरी बाइक खड़ी कोने में, मुझे पहले थोड़ा सा हैंड गार्ड ठीक करना थोड़ा सा, बस ये वाला भाई टूट गया थोड़ा सा, बस ये ठीक कर लेते फटाफट, अब चला जाए यहाँ से भी, अलविदा लेते हैं। और भाई बाबा जी अच्छे सफ़र कटवा देना बस, आज का सफ़र थोड़ा लंबा है, रात हो जाएगी। चलो चेस्टर हिल्स दोबारा आएंगे फिर से कभी हो सके तो, मज़ा आया भाई। हमारा अगला स्टे होने वाला है भाई नारकंडा होगा शायद, पहुँचिए पेट्रोल पंप,
और डलवाते हैं फ्यूल। अब मेरी बारी। फुल ही करना है इसमें भी। ऑल सेट। मेरे में डला भाई 700 का और सर के में डला है 1020। मारा भाई अभी रुकेंगे नहीं हम, सीधा आगे रुकेंगे क्योंकि आज के भाई बहुत लंबा सफ़र है ना, रुकना बेकार है। जैसे रुक के हम फोटो वगैरह क्लिक करेंगे, आगे करेंगे जो करना। आज लंबा सफर है तो थोड़ा ट्रैवल करते बढ़िया वाला। तो ऐसी एक चीज़ देख ले एक बार, टाइम मिला वहाँ दिखाएंगे बढ़िया टाइम आया जहाँ होगा दिखाएंगे ना। लैंड स्लाइड हुआ था यहाँ पे तो रोड पूरा ब्लॉक हो गया था उस समय भाई, सारे यहाँ पत्थर ही पत्थर थे। अब तो मोस्ट ऑफ भी सारा ना जितना भी रोड कवर हो चुका है, बाकी उस समय इतना बुरा देखने लायक था ना। अब जाकर देख सकते हो पिछले सारे वाले ब्लॉग मेरे सेम ही किया भाई, सर से मारोगे दिल्ली टू सोलन तो आ जाएगा पूरा आज गेडी करके। बाकी मैं हो सके तो दिखा दूंगा ब्लॉक के अंदर ही अपने थोड़ा सा, तो आप खुद देख। ओवरटेक मारो ट्रक वालों को ना, तो पहले का देख लो सही से भाई। यहाँ पे सिंगल लेन में कभी ओवरटेक मारो देख लो आगे से कोई गाड़ी आ रही नहीं आ रही है। और यहाँ क्या कर भाई, रुक गए क्या हुआ, चाय पीने गया अभी, अभी तो घर से निकले ही थे। शिमला पार्क पीते आराम से है ना, अभी तो निकले ही हैं। चलो तुम्हारा शिमला बस 13 किलोमीटर। तो मैंने पहले कहा था आपको मैं शिमला होते निकलूँगा, शिमला यूनिवर्सिटी 17 किलोमीटर, तो हमें आना शिमला। हायाबुसा नहीं है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल नज़ारे, नेक्स्ट लेवल भाई। ढलान से उतर नीचे अभी चढ़ाई करी थी हमने, अब से उतर रहे हैं। अब पहुँचेंगे हम शिमला, जब पहुँचने वाले पार थोड़ा सिम उतरते ना शिमला आ जाएगा। अभी ढलान लो जी, ऑफ रोडिंग मिल गया, अभी तो बाकी है ऑफ रोडिंग मेन वाला, जा रहे हैं हम। सुनसान रास्तों में चाय पियेंगे। हमारा नाश्ता पानी हो चुका है यहाँ पे और अब निकलते हैं। लेट गो बाइक, फटाफट राइडिंग साइड हो चुका भाई, ऑल सेटअप लगा दिया हूँ भाई, राइडिंग मैं भी राइडिंग, अब निकलते करते हैं। बाय बाय भाई। ये था शर्मा भोजनालय, बढ़िया चाय बढ़िया पराठे एक नंबर, मज़ा आ गया था। लो जी निकलते हैं यहाँ से, करते बाय बाय शर्मा जी को और लेसट वो, दोनों फ़ोन जेब में, चश्मा बैग में, गोप्रो हैशटैग सब चीज़ ले लिया, ऑल सेट। लो जी अब हम पहुँच गए छाछड़ू। भाई साहब क्या खतरनाक का नाम है छाछड़ू। ओ भाई साहब ये चेक करो व्यू, क्या नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहे हैं यहाँ पे, गाड़ी काटी एकदम खतरनाक भाई भाई, घर ही घर चमक रहे पूरे में आसमान के ऊपर। अरे जगह कौन से पता नहीं भाई, अभी नाम वगैरह आगे पढ़ बताऊँगा आपको मैं। अरे जो भी है ब्यूटीफुल, नेक्स्ट लेवल भाई, मजा आ गया देख के। 1 किलोमीटर नारकंडा 47, हमें जाना है नारकंडा, फिर रामपुर 27। अनारकंडा पहले पहुंच गए तो वहाँ स्टे नहीं करेंगे, और थोड़ा लेट पहुंचे तो हम रामपुरा के निकल जाएंगे वहाँ से। बस जितना ज़्यादा आगे जाएंगे उतना नेक्स्ट स्टेशन पहुँचेंगे, कि हमारे पास टाइम बहुत है, लेकिन भाई एक जगह ज़्यादा देर रहना बेकार है, या छोटा सा लोकेशन है तो फटाफट वहाँ से शूट करना निकल जाना है। तो अभी हम खड़े ढली चौक पे, ढली है कुफरी से जाना, कुफरी चढ़ा कुफरी राष्ट्रपति निवास। लो भाई 5 किलोमीटर दूर बाद यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका घर है। लो भाई हमें दिखा यहाँ पे याक है सवारी करनी है, याक की सवारी क्या लग रही है भाई, जंगली याक सेकंड टाइम देखा मैंने ये, कुफरी आई लव कुफरी।
भाई गुड्डा नहीं मिला मेरे को यार, गुड्डा कहाँ से लाऊंगा मैं भाई, गुड्डा लगाना है अपनी बाइक पर गुड्डा। गुड डे ही गुड डे। तो भाई ये चेक करो ये कैसा लग रहा है, ये ले लिया जाए। मस्त लग रहा है भाई। ये कितने भैया? 150 के है। इसमें और भी है एक ही है। ये हाँ दिख रहे तो सही है ना। लो भाई तब उन्हें बोले सही लग रहे हैं, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो भाई कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं। लैला मजनू तो उसका नाम क्या होना चाहिए बताओ। ये लड़की है ये लड़का है। लड़का थोड़ा नीचे दबके रहता है ना वैसा। तो ये लड़की है ये लड़का है चश्मे वाला। दोनों ग्रेजुएट हुआ है। हाँ जोड़ा तो होना चाहिए, अकेला कौन दुनिया जाता है। ये तो है ही। चले जी लो भाई एक ये भी ख्वाहिश तुम्हारे भाई ख्वाहिश पूरा हो गया। इतने अपने भाई गुड्डा होना चाहिए, मैंने गुड्डा भी लगा दिया उठा के लो। तो भाई मुझे पड़े हैं 220 रुपए के। तो आप लोग कमेंट करके बताना सस्ते पड़े हैं महंगे पड़े हैं जो भी है, लेकिन भाई बड़े लग रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 220 रुपए माइंड नहीं लगता, बस अच्छा लगना चाहिए अपने आप को। तो भाई मुझे अच्छा लगा इसे ले लिया मैंने ये। लो जी अभी हम पहुंच चुके हैं मतियाना। और भाई यहाँ होते पैक राइडिंग, अभी तो यहाँ बर्फ़ है नहीं भाई। जब अभी चल रहा है तुम्हारा अक्टूबर नवंबर एंड में आओगे ना पे भाई साहब, बर्फ़ ही बर्फ चारों साइड, पूरे रोड बर्फ बिछाते ही हर जगह खतरनाक। ये लो जी हमारे सिर के ऊपर पहाड़। खतरनाक व्यू। भाई चाहे हिस्ट्री होता ना तो यहाँ लगा देते हैं। ये बोलते भाई ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं करनी, जितना चद्दर उतना ही पैर फैलाओ, चद्दर पैर फैलाओ। इसका भाई अपोजिट भी कहावत आ चुका है, चद्दर ही बड़ा कर लो ना भाई, चद्दर ही फाड़ दो। लो भाई मारकंडा प्यू, ये सब नहीं जाना अपने को, बस मारकंडा पहुँचने वाले हैं भाई। थोड़ी देर रुक जा भाई, वहाँ पुलिस वाली मैडम थी, आंखें उनकी तो कैसी थी, ऐसी किस लड़की खतरनाक। क्वालिटी वाले सेब सारे भाई, जितने ट्रक दिख रहे हो सब ट्रक में ना सेब लोड होगा, सेब एप्पल सब में एप्पल लोड है। जितने पहाड़ है भाई सब पे एप्पल है, यहाँ पे देखो जितने धीरे जाल वगैरह बनेंगे ना वाइट जाल दिख रहा है आपको, उन सब में भाई सेब है, वो बढ़िया हैवी क्वालिटी वाले भाई साहब, पूरे में सेवी सेव तोड़ू का चढ़ के बताओ बनाते वीडियो। तो भाई ये एक्सपेरिमेंट है, खतरनाक वाला हो जाएगा एक्सपेरिमेंट अगर फोन गया तो, सब एक्सपेरिमेंट खतरनाक। अभी देखते क्या होता है भाई, इसका बटन नहीं आ रहा, ये बटन से वीडियो ऑन हो गई, अब भी रिकॉर्ड होती रही। आगे ठीक है, दो तीन मिनट रोकना ठीक है, बोलूँगा ना आगे रोकना ठीक है, फिर फ़ोन खोल लूँगा मैं। चलो थोड़ा देखते हैं रील कैसा बनता अभी। चलो भाई फ़ोन तो गिरना नहीं चाहिए, बाकी देखते क्या होता है। मैंने पहली वैसे बना चुका हूँ वीडियो, पहले कभी नहीं बनाया भाई कसम से, अभी डर लग रहा है मुझे अपने फ़ोन को देख के, मेरा फ़ोन सामने चल रहा है। अब रील जैसे बनेगा व्लॉग जरूर दिखाऊँ आपको मैं। तो भाई एक्सपेरिमेंट हो गया फेल, हो नहीं पाया जो मैं सोच रहा था यार। अंकल हंस रहे बस भाई बाइक को देख के, यार मूड खराब हो गया मेरा, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, मुझे लगा एक्सपेरिमेंट पास हो जाएगा यार, फेल हो गया। यहाँ से निकल पड़े, हमारा मंजिल कम से कम 18-19 किलोमीटर है यहाँ से। हम पहुँच गए मनान गाँव है भाई ये, हम पहुँच गए मोहनी गाँव, कंडलिया पहुँचे, कंडलिया केथला मोड़। लो जी
गाइस फाइनली हम नारकंडा पहुंचने वाले हैं। ओनली 2 किलोमीटर बचा है। पंचायत नारकंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। लो भाई नारकंडा में हमारी एंट्री पहुंच के। सीसू पार्क मतलब क्या है नारकंडा इधर।